हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेकर कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंफ्यूजन हैं बच्चों को, जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर, ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है? तो देखो, मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, वन मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, टू मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, थ्री मार्क्स कैसे आएंगे, फाइव मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की, जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है तीन पार्ट एमसीक्यू वाला, खास करके ये जो पार्ट है, इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, वन मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैंने पहले ही कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है। ये जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए, या फिर यूं कह लें हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी, ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही हुआ, उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेस करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको दो इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 550 रुपए दो इंस्टॉलमेंट में, तीन तीन महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से तीन महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं, क्लियर है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहां पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, है ना, चैप्टर 2A फार्माकोथेरापेटिक्स। तो मैं कुछ चीज पहले क्लियर कर दूं, तो यहां पे बम्पर एक कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे बुक्स फॉलो कर रहे होंगे और ये चैप्टर 2A जो मैंने लिखा हुआ है बच्चों, मैं चल रहा हूं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग जो PCI का सिलेबस है, उसमें जिस तरीके से चीजें मेंशन है। क्या मतलब है उसका मैं बता दूं, ठीक है ना। तो चैप्टर 2A से क्या मतलब है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। PCI का सिलेबस मैंने दे दिया था लिंक में, डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। PCI के सिलेबस में देखो किस तरह से मेंशन है, चैप्टर 1 और उसके बाद चैप्टर 2। चैप्टर 2 ही के बाद खत्म हो गया, चैप्टर 2 के अंदर ही पार्ट है A, B, C और D, इस तरीके से चलेगा ये। बात समझ में आ रही है? तो मेरे लेक्चर भी इस तरीके से, चैप्टर नंबर ए, 2A का लेक्चर नंबर ये रहेगा 1, ये लेक्चर नंबर 2 बनेगा मेरा, ये लेक्चर नंबर 3 बनेगा, ये लेक्चर नंबर 4 बनेगा, फिर 2B का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, क्लियर है। किसी टाइप का कंफ्यूजन मत रखना कि मैं 2A ये B कहां से लेके चलता हूं, जो हमारा मेन PCI का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। बात क्लियर हो गई? तो स्टार्ट करें। ओके, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, उसकी चार डिजीज जिसके बारे में हमको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, पार्ट बी फॉर फर्स्ट ईयर में खूब अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, पूरा हार्ट के बारे में था, ठीक है। तो यहां पर हम उसको ना पढ़ते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। पहली डिजीज है हाइपरटेंशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और साथ साथ में
कॉग्नोसिस में काफी कुछ पढ़ लिया है, तो बेसिक नॉलेज है हमारे पास कि हाइपरटेंशन क्या होता है। क्लियर है? देखो जिसने पढ़ाई की है वो मौज में रहेगा, वो मजे में रहेगा, ठीक है ना। जब पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर क्या होने वाला है, पढ़ाई उसकी मौज ले लेगी, है ना। तो आओ देखते हैं। तो बात यह है बच्चों की पढ़ाई करते रहें, सीधी सी बात यह है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और पढ़ाई करने के लिए हम हैं यहां पर, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि पढ़ाई आपको समझ में ना आए या पढ़ाई आपकी मौज ले पाए, ठीक है। जस्ट कॉमेडी, ओके। आ जाओ इधर पे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हाइपरटेंशन, उसके अंदर पहले डिजीज हाइपरटेंशन, डेफिनेशन क्या है, अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। जब ब्लड, जैसे अब इमेजिन करो एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तुम पीछे से पानी का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, उस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। कैसे पता चलेगा बढ़ रहा है? आगे जो पानी की धारा निकल रही होगी वो दूर गिरेगी, दूर गिरेगी। और एक बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे, एक टाइम उतना प्रेशर कर दोगे, वो पानी पाइप अगर सह नहीं पाएगा तो फट जाएगा, ठीक। तो यही कंडीशन है, कह रहा है, इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अ कंडीशन इन विच फोर्स ऑफ द ब्लड, ब्लड का फोर्स अगेंस्ट द आर्टरी वॉल, ठीक है ना। ये आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये यहां पर जो ब्लड है ना फोर्स लगाती है, जब फ्लो करती है तो ना, फिजिक्स पढ़ी होगी अगर 12th 11th की फिजिक्स में, तो दीवालों पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। देखो कई बार पाइपलाइन फट जाती है पानी की, कैसे फट जाती है, पानी प्रेशर लगाता है, ठीक। इसी तरीके से जो ब्लड है वो हमारी आर्टरी पर प्रेशर लगाता है, ठीक है, अगेंस्ट द आर्टरी, आर्टरी वॉल के खिलाफ, इज टू हाई। और वो अगर तादाद से ज्यादा बढ़ जाए, एक नॉर्मल रहना चाहिए तभी हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करेगा, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। यूजली हाइपर, ये सब हमने डिस्कस कर चुके, हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब तनाव, इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर अबव 140 और 90। 140 कौन सा होता है, सिस्टोलिक, है ना, अपर सिस्टोलिक, और ये क्या होता है, डायस्टोलिक, लोअर, जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है ना, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। एंड इज कंसिडर्ड सीवियर, और ये काफी खतरनाक हो जाता है, सीवियर हो जाता है इफ द प्रेशर इज अबव 180 और 120, ठीक है ना। ये क्या है 120 180, mmHg, है ना, मर्करी प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर ऑफन हैज नो सिम्टम, कई बार इसके ज्यादातर कोई सिम्टम नहीं होते, इंसान का प्रेशर बढ़ा हुआ है उसे पता नहीं चलता है, कई बार ज्यादातर केस में, ठीक है ना। ओवर टाइम, समय के साथ, इफ अनट्रीटेड, अगर समय काफी हो गया और उसका आप लोग इलाज नहीं करवा रहे, जिस किसी को भी है, इट कैन कॉज हेल्थ कंडीशन, कुछ हेल्थ कंडीशन क्रिएट हो सकती है उसकी वजह से। हार्ट डिजीज, सबसे ज्यादा असर पड़ता है हार्ट के ऊपर, और जो प्रॉब्लम आएगी स्ट्रोक, हार्ट अटैक वगैरह पड़ने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन इज लार्जली अ कंडीशन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल, ज्यादातर ये बूढ़ों की दिक्कत होती है, क्योंकि बुढ़ापे तक आते आते जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, ये क्या होती है, थोड़ी सी कठोर हो जाती हैं। अभी जब हम लोग यंग होते हैं तो इलास्टिक होते हैं, अगर तनाव पड़ता भी तो फैल जाती है, ये बुढ़ापे तक आते आते इनमें क्या है, टाइटनेस आ जाती है, तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। डायस्टोलिक प्रेशर पीक्स एट एज ऑफ 50, लगभग 50 तक आते आते डायस्टोलिक प्रेशर अपने पीक पर आ जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर कंटिन्यू टू इंक्रीज विद एडवांसिंग एज, ठीक है, 50 के बाद एक है कि डायस्टोलिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बट सिस्टोलिक प्रेशर लगातार समय के साथ बढ़ता रहता है। रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज डबल फॉर एवरी 20 और 10 mmHg राइज इन ब्लड प्रेशर, इसका मतलब क्या है, सिस्टोलिक में 20 mg बढ़ जाए और डायस्टोलिक में 10 mg बढ़ जाता है, तो रिस्क क्या होने लगता है, डबल होने लगता है। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन में ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, मैं फिर बता दूं, फालतू चीजें नहीं पढ़नी हम लोगों को, क्या क्या इसके अंदर हमें देखना और समझना है, डेफिनेशन, एटियोपैथोजेनेसिस, जिसको मैं पहले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका हूं और आज फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये 1, 2, 3, 4 और 5, इसके अलावा हमें कोई और चीज नहीं पढ़नी है, पढ़ने को इसके अंदर अथाह सागर है, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। बी फार्मा में चले जाओगे तो इसके अंदर और भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको चीजें लिमिटेड रखनी है अपनी। अब देखो एटियोपैथोजेनेसिस, तो अब वो बच्चे जो पहले कह रहे थे कि सर बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, वो बेटा जनरल चीजें पढ़ रहे थे, अब हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे कुछ भी, ठीक है ना। जो बातें हैं, जैसे मैं पहले बोला था फर्स्ट ईयर में, जो बातें लिखी हैं हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है ना। एटियोपैथोजेनेसिस किन कारणों से हुआ है, ठीक है, और कैसे वो डिजीज ग्रो करती है, कैसे वो डिजीज ग्रो करती है हमारी बॉडी में, किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है, क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में और अल्टीमेटली वो चीज हो जाती है। मान लो बीपी का केस ले लेते हैं, बीपी कभी तो शुरुआत हुई होगी,
ब्लड वेसल पतली हुई होगी, कुछ भी दिक्कत आई होगी, धीरे 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 एकदम तो नहीं बड़ा होगा, धीरे 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 समय के साथ वो ग्रो करके फाइनली हमने कहा कि यार तुमको बीपी हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ग्रो ऑफ डिजीज होता है, डिजीज कैसे पनपी हमारे शरीर में, वो पूरे इवेंट्स घटनाएं, ठीक है ना, वो इस दोनों के अंदर क्या होते हैं, कवर होते हैं। अब कुछ कंफ्यूजन बच्चों के अंदर क्रिएट हो सकती है तीन वर्ड्स को लेकर के। वो तीन वर्ड्स कौन से हैं? एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी। तीनों वर्ड आपस में काफी, ये तो खैर अलग हो जाएगा काफी ज्यादा, बट ये दोनों वर्ड बच्चों को काफी ज्यादा क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होता है बच्चों के, अरे इसमें क्या करना है। तो देखो एटियोलॉजी में क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ डिजीज, हमने पहले ही पढ़ा था पहले लेक्चर में, एटियोलॉजी क्या होता है, कारण क्या है डिजीज का, ठीक है ना। पैथोजेनेसिस में क्या है, मैनर्स या मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज किस तरीके से ग्रो करती हुई अपने पीक पर जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, यानी कि क्या घटनाएं, डबल हो गया, डबल नहीं हो गया सॉरी, सही है वो, क्या क्या घटनाएं घटी हमारी बॉडी में डिजीज के फाइनल रूप में आने तक, जब डिजीज पूरा बन गया तो क्या क्या घटनाएं घटी, या आगे वो और किस बड़े रूप में बनता हुआ चला जाएगा। जैसे कैंसर होता है स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, डिजीज ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, ठीक है, तो वो सारी स्टेजेस हैं उसके अंदर, तो इसमें भी स्टेज आएंगी, स्टेज वन, स्टेज टू, ठीक है, देखेंगे हम इसके अंदर। तो ये तो होगी प्रोसेस की बात हो गई। पैथोफिजियोलॉजी, द डिसऑर्डर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब हमारे शरीर में जब बीमारी हो चुकी है तो कुछ हमारे शरीर के मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन बदल जाते हैं, नॉर्मल से हट जाते हैं, जो नॉर्मल चल रहे थे, ठीक है ना, नॉर्मल चल रहे थे, मान लो ऐसे जा रहे थे नॉर्मल, ठीक है, डिजीज होगी अभी ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पेट में दर्द, कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, बॉडी में चीजें उलूल जुलूल शुरू हो गई। ये जो चीजें हट गई, यानी कि कुछ अलग चीजें जो घटने लगी बॉडी में नॉर्मल के अलावा उस डिजीज की वजह से, डेट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी, और उसी की जो हम स्टडी करते हैं डेट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। द डिसऑर्डर्ड, जो ऑर्डर में नहीं रह गई है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, किडनी का काम करना, हमारा पाचन क्रिया, ये सब हमारे क्या है, फिजियोलॉजी हमारी, एसोसिएटेड विद डिजीज एंड इंजरी। जब डिजीज और इंजरी होने के बाद जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस बिगड़ने लगते हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। कुछ और चीजें भी आती हैं इसके अलावा, इनिशियल स्टेज ऑफ डिजीज इसी के अंदर काउंट किया जाएगा, फैक्टर एसोसिएटेड विद डिजीज इसके अंदर देखा जाएगा, व्हाई अ डिजीज अराइज, डिजीज क्यों अराइज हुई, एटियोलॉजी में देखा जाएगा। एटियोलॉजी लीड्स टू पैथोजेनेसिस, एटियोलॉजी होगी तो पैथोजेनेसिस हम लोग कर पाएंगे, एटियोलॉजी नहीं, कॉज नहीं पता चलेगा तो प्रोसेस कहां से देखेंगे हम लोग। एटियोलॉजी हेल्प करती है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ प्रीडिस्पोज्ड पेशेंट, जिस पेशेंट को अभी तक डिजीज नहीं हुई है, अगर एटियोलॉजी पता होगी तो हम उसको पहले से, हमको पता होगा कि हाँ अगर तुम ऐसी कंडीशन में रहोगे, ऐसा कुछ करोगे तो ये डिजीज हो सकती है, तो पहले से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल है डायबिटीज मेलाइटिस कॉज्ड बाय बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से हो जाती है, ये कॉज हो गया इसका, किसका, डायबिटीज मेलाइटिस का। अब प्रोसेस की बात करें, चेंज ऑफ इवेंट लीडिंग टू डिजीज, घटनाओं का क्रम जो अल्टीमेटली बीमारी में बदल गई। हाउ आर डिजीज डेवलप, डिजीज डेवलप कैसे हो रही है ये इसके अंदर आता है, ठीक है। हाउ डिजीज प्रोग्रेस और डेवलप, एक ही बात होगी, ठीक है। पैथोजेनेसिस लीड्स टू साइंस एंड सिम्टम्स, अब पैथोजेनेसिस जब होगी, यानी कि डिजीज जब ग्रो करेगी और ग्रो होते तो बढ़ रही है, तो वो लीड मतलब अल्टीमेटली कुछ साइन और सिम्टम पैदा कर देगी जो यहां आ जाते हैं, यानी कि जब डिजीज बढ़ गया, मान लो बढ़ते बढ़ते बीपी का हो गया प्रॉब्लम, तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा, कई बार पता चला चक्कर से आने स्टार्ट होंगे, वॉमिटिंग हो सकती है ना, ये सब चीजें। इंपॉर्टेंट टू क्योर ऑफ डिजीज, ये क्यों पढ़ना जरूरी है, जिससे कि हम लोग डिजीज का क्योर कर सकें, कि एक डिजीज को रोक सकें, ठीक है। जैसे कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन डेवलप, जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया जिसकी वजह से क्या हुई, डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप, डायरेक्ट साइटोलाइटिक इफेक्ट एंड बीटा सेल नेक्रोसिस डिजीज, ये अल्टीमेटली किसमें बदल जाएगा, बीटा सेल नेक्रोसिस डिजीज में और साइटोलाइटिक इफेक्ट, अब ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये तो होगी हमारी कॉज डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है ना, कि हमको ये वाली कैटेगरी आ गई, लेकिन ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोग्रेस होते होते किन बीमारियों की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं पैथोफिजियोलॉजी, पहला समझ लिया, स्टडीज अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन और सिम्टम होंगे तो हम अंदाजा लगाएंगे अच्छा ये बीमारी है, ठीक है। डिस्क्राइब द फाइनल स्टेज ऑफ डिजीज प्रोसेस, हम लोग फाइनल स्टेज जो आ जाती है डिजीज की उसको यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब ये कंडीशन है, इसके ये सारे साइन सिम्टम्स हैं। स्टडीज द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑपरेटिंग विद इन द ऑर्गेनिज्म विद द डिजीज,
जब डिजीज है इंसान को, उस समय फिजिकल हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टू क्योर ऑफ डिजीज, नो डाउट, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है डिजीज को क्योर करने के लिए। तो ये तीनों चीजों में बड़ी बारीकी सा अंतर है, ठीक है, बहुत माइंड में सेट रखना, बाकी चीज ना सेट रखो। ये पहला पॉइंट इसका, पहला पॉइंट इसका और पहला पॉइंट इसका, ये डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है ना, तुम्हारा वावा बॉस में भी जो आ सकता है प्रैक्टिकल, जब एग्जाम लेने आएगा तो पूछ सकता है ये, ठीक है ना। तो बहुत बारीक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे कोर्स में पैथोफिजियोलॉजी ना होकर के ये दोनों चीजें हैं, पैथोजेनेसिस और एटियोलॉजी। तो बन गया हमारा एटियोपैथोजेनेसिस, क्लियर है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आगे आए, ओके। नाउ हाइपरटेंशन, अब जो इसकी एटियोपैथोजेनेसिस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है ना, हेडिंग में हमारा क्या स्टार्ट हो चुका है, एटियोपैथोजेनेसिस। ये जो मैंने टेबल समझाई है ये कोर्स में नहीं है, ये समझने के लिए, नॉट फॉर कोर्स, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि किस तरीके से हम चीजों को अच्छे से समझ जाएं कि एटियोपैथोजेनेसिस में हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें देना क्या है, क्लियर है, ये दिमाग में रखना जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अब हम लोग हाइपरटेंशन की क्या देख लें, एटियोपैथोजेनेसिस देख लें, है ना। अब यहां पे आ जाएगा एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो हम लोग मोटा मोटा बात करें, यहां पे दोनों चीजें एक साथ डिस्कस होंगी, कंबाइंड तौर पे, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में तोड़ा गया हाइपरटेंशन को, एक होता है हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन, और इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, 90-95% लोगों में रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है सेकेंडरी, एक प्राइमरी और दूसरा क्या है सेकेंडरी, दोनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, कॉज और पैथोजेनेसिस यहां पे एक साथ डिस्कस होंगे यहां पर। तो क्या बोल रहा है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में अननोन स्पेसिफिक कॉजेस, कॉजेस का कुछ पता नहीं चलता है, क्यों हो गए, किस लिए हो गए, हम लोग डॉक्टर ऐड लगा, शायद इससे हो गया होगा या फिर इससे हो गया होगा, ठीक है ना। कॉज में भी मल्टीफैक्टोरियल, और कई सारे कारण हो सकते हैं, आपका खान पान है, आपका एनवायरमेंट जिसमें आप रह रहे हो, स्ट्रेस भरा है कैसा है, आप जहां काम कर रहे हो एनवायरमेंट, तो कई सारे कारण हो सकते हैं, यहां पर कोई डिफाइंड कॉज नहीं होता है, ठीक है, कि हाँ इसी वजह से है, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या क्या आ गया, एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे पहला आता है इसके अंदर, ओबेसिटी मोटापा, फैट पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर देन द थिन पीपल, नॉर्मली फैट पीपल में फैट रहता है तो उनका बीपी वैसे भी नॉर्मल हल्का सा बड़ा रहता है, क्योंकि उनकी आर्टरीज वगैरह जो होती है हल्की सी ठीक हो जाती है। फैट यानी ओबेसिटी, मोटे लोगों में स्लीप डिसऑर्डर पाया जाता है ना, ब्रीदिंग ऑफन सीन विद स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, जब सोते हैं तो उनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम में थोड़ा सा क्या रहता है, डिसऑर्डर रहता है मोटे लोगों के साथ, मे बी एन एडिशनल रिस्क फैक्टर, और ये एक उसमें क्या है, हाइपरटेंशन में एक एडिशनल रिस्क फैक्टर की तरह जुड़ जाता है। अल्कोहल इंटेक, सबको पता है कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज्यादा जाता है। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ब्लड प्रेशर लेवल, काफी ज्यादा क्लोज है, अल्कोहल जो पीता है इंसान उसका बीपी हाई होता ही हो ही जाता है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल सीम टू बी बेनिफिशियल। अब यही तो चीज है, कई बार देखा होगा ना कि एक छोटा अमाउंट जो होता है अल्कोहल का वो फायदेमंद होता है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट जो होता है वो नुकसानदायक होता है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये बेटा लोग डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कि अगर कुछ लोग हैं कि दारू पीते ही पीते हैं तो कितने अमाउंट तक आप लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, और कितने अमाउंट से ज्यादा लोगे अगर, या कितने दिनों के बाद लोगे, तो डॉक्टर डिसाइड करके इसको बता सकता है आप लोगों को। ना सोडियम इंटेक, सोडियम मतलब आप जो खा रहे हो क्या, सोडियम हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, नमक के तौर पर जा रहा है, और सोडियम सबको पता है नमक खाने से बीपी हाई हो जाता है, क्यों, उसके अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना सोडियम खाओगे बीपी उतना ज्यादा हाई रहेगा। सम एविडेंस डेट हाई पोटेशियम डाइट, अगर तुम पोटेशियम यानी कि के खाओ है ना, पोटेशियम खाते हो, डाइट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ अ हाई सोडियम इनटेक, यानी कि अगर आप सोडियम बहुत ज्यादा खाते हो तो कुछ ऐसी चीज भी खाओ जहां से आपको क्या मिले, पोटेशियम मिले, तो ये क्या होगा, जो Na प्लस और ये भी क्या होता है K प्लस, तो समझ रहे हो इसका मैकेनिज्म, यहां डिस्कस नहीं कर रहे। तो पोटेशियम का अगर अपटेक आप ज्यादा करते हो तो वहां से आपका सोडियम के इफेक्ट को नलीफाई कर सकता है, वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। स्ट्रेस, अब बहुत से लोग पतले दुबले होते हैं लेकिन बीपी हाई है, बॉडी मास में एकदम सूखे साके से लोग हैं, बीपी हाई है, क्यों, हम कहते हैं वो चिड़चिड़ाता ज्यादा, गुस्सा ज्यादा करता है, स्ट्रेस है बंदे को, क्या है स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, खास हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं जो बीपी को हाई कर देते हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेस होता है, अनसर्टेन, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, मान लो कोई बंदा फाइनेंशियल क्राइसिस में है, सोचे जाता है या किसी और तरह के टेंशन में सोच रहा है उसको, और वो स्ट्रेस में जी रहा है, ठीक है। एक्यूट पेन और स्ट्रेस कैन रेज ब्लड प्रेशर, बहुत तेज मान लो कहीं पर दर्द हो रहा हो अचानक से बॉडी में स्टार्ट हो जाए, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो अचानक से, बहुत ज्यादा चीज गहरा सोच ले एकदम से, तो बीपी क्या कर जाएगा, हाई कर जाता है। अब उसके बाद कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं,
टेंड टू रन इन द फैमिली, ये पारिवारिक होते हैं। अगर माँ बाप में किसी को है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि बच्चों को भी वो जेनेटिक होता है, जीन्स की वजह से है, ठीक है। स्टिल लार्जली अनआइडेंटिफाइड जेनेटिक कॉम्पोनेंट, कौन सा जेनेटिक कॉम्पोनेंट इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। मतलब कोई दिक्कत नहीं इंसान को, बढ़िया खा पी रहा है, पतला दुबला इंसान, सब कुछ, स्ट्रेस भी नहीं, सब कुछ नहीं, तब भी बीपी हो गया, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है ना। नाउ फीटल फैक्टर, ये लो बर्थ वेट, जिन बच्चों का बर्थ वेट लो रहता है वहां पर थोड़ा सा ये फैक्टर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमोरल मैकेनिज्म। ह्यूमोरल में बता दूं, ह्यूमोरल मतलब फैक्टर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूड। ह्यूमोरल क्या होते हैं, हमारी बॉडी का जो फ्लूड है, प्लाज्मा वगैरह है, ब्लड वगैरह है, जो हमारी बॉडी का फ्लूड होता है उसकी बात हो रही है। उस फ्लूड में कुछ खास चीजें पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा यहां बात को समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमोरल मैकेनिज्म। अगर मैं बीपी की बात करता हूं, किसकी बात करूं, मैं बीपी की बात करता हूं, बीपी होता है कार्डियक आउटपुट, हार्ट कितना ब्लड निकाल रहा है बाहर, इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब आर्टरीज कितना प्रेस कर रही हैं, है ना। मान लो वॉल्यूम इतना सारा निकला, आगे मुंह इतना पतला है तो तेज धारा तेज हो जाएगी, वॉल्यूम इतना निकला और आगे मुंह भी मोटा है तो जो प्रेशर है वो धीमा धीमा निकलेगा। जस्ट लाइक ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, पाइप से पानी निकल रहा है, उसके आगे मुंह को जैसे जैसे दबाते जाते हो प्रेशर आगे बढ़ता चला जाता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ना कुछ वैसे समझ सकते हो तुम लोग, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो पतली और मोटी हो रही हैं, जितना फैली रहेंगी बीपी कम रहेगा, जितना पतली होती जाएंगी, पीछे से तो उतना ही वॉल्यूम आ रहा है ना खून का, तो वो धारा क्या है काफी तेज निकलेगी बाहर। तो ये ह्यूमोरल फैक्टर है कुछ, कौन कौन से हैं, कुछ है कॉन्स्ट्रिक्टर जो इस आर्टरी को पिचका देते हैं, कुछ है डायलेटर जो इसको फैला देते हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2, कैचिकोलामाइन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोटाइन्स, एंडोथेलियम, ये क्या करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को गिरा देंगे, ठीक है ना, और डायलेटर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिंस, काइनिंस और एनो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है यहां पर, क्योंकि ये पूरा चार्ट देखो, अगर ये कहीं ना कहीं फॉर्मुला भी तुम्हारे काम में आएगा, तो ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इंटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मैंने बताया कि क्या होता है, जो आर्टरीज मिल करके एक तरह से प्रेशर क्रिएट करती हैं एक पानी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आ गया ह्यूमोरल फैक्टर्स, ये सारे के सारे, ये डायलेटर हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्टर हैं, हम मेनली इनकी बात करेंगे जो बीपी को इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है इसमें, न्यूरल फैक्टर भी आते हैं कुछ, ठीक है, जिसके अंदर अल्फा एड्रिनर्जिक, और डायलेटर कौन होता है, बीटा एड्रिनर्जिक, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। लोकल फैक्टर भी आते हैं कुछ, ठीक है, ये आते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर जो काम करेंगे, जो कार्डियक आउटपुट पे काम करते हैं, सोडियम मिनरलोकोर्टिकॉइड, ठीक है, एट्रायोपेप्टिन, और कार्डियक फैक्टर कौन है, हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी। तो ये सारी चीजें मिल करके कुछ इस पे असर डालती है, कुछ इस पे असर डालती है। तो ह्यूमोरल हमें पढ़ना था, तो हमारे लिए ह्यूमोरल फैक्टर ये हैं, इनको याद रखने हैं तुमको, कौन कौन से होते हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन है तो ये फैक्टर इंक्रीज करेंगे, बात समझ में आ गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हम लोग कह देते हैं, इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी का इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस। इसमें होगा क्या, तो हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाएगा, हाइपर इंसुलिनेमिया, हाइपर मतलब बढ़ गई कोई चीज, है ना, इंसुलिन की मात्रा जो है बढ़ गई। अब होगा क्या, उससे क्या क्या चीजें अराइज हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अगर ये होगा तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर कर देगा, या क्या होगा, अच्छा इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर भी क्या लेके आएगा, कार्डियोवास्कुलर रिस्क लेके आ जाएगा। हाइपर इंसुलिनेमिया होगा तो और क्या हो सकता है, डिक्रीज एड्रिनल मेडुलरी एक्टिविटी। अब ये एड्रिनल मेडुलरी एक्टिविटी, ये बेटा ब्रेन में मेडुला वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, ये मेडुलरी है, ठीक है ना, किडनी वाले पार्ट की बात होगी, ठीक है, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ये एक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो क्या हो गया, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स और डिक्रीज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा वाला हाई डेंसिटी वाला जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिक्रीज कर जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज कर जाएंगे, यानी कि ओवरऑल फैट इंक्रीज कर रहा है, ये दोनों, ये इसका डिक्रीज होना, इसका इंक्रीज होना, अल्टीमेटली घूम करके दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये बीपी को इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिक, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से या इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से, ठीक है ना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से अल्टीमेटली हमारे पास क्या बढ़ रहा है, बीपी हमारा हाई हो रहा है। आगे आते हैं बेटा लोग, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना, अगर एक एक पार्ट को डिटेल में करने में बैठ गए तो बेसिक ये है कि अगर मान लो, मैं तो समझा रहा हूं, ट्राइग्लिसराइड फैट्स का रूप होता है, ठीक है, और कोई चीज लगती है कि कोई चीज और दिक्कत लग रही है इसमें, क्लियर नहीं हो पाई है, तो जस्ट कमेंट करो मेरे को, मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, या फिर जैसा कि मैंने बताया
कि ऐप, ठीक है, तो जो ऐप आप लोगों का आ रहा है, ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, ऐप में मेरे पास क्या चलने वाली है, डाउट क्लास चलेंगी बच्चों, क्या चलेंगी, डाउट क्लास चलेंगी, लाइव चलेंगी डाउट क्लास, डाउट क्लास कैसे चलने वाली है, लाइव। तो लेक्चर में जो भी आपके डाउट अगर थोड़े बहुत रह जाएंगे, या तो मैं आप लोगों को उसको अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके थ्रू क्लियर कर दूंगा, या फिर वो डाउट आपके लाइव क्लास में कवर अप हो जाएंगे। क्लियर है, चले आगे चलते हैं। अब प्राइमरी की बात तो खत्म हो गई, ठीक है, प्राइमरी की बात खत्म हो गई, अब हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि एक मिनट, इसमें हम लोग कहां थे, हाँ जेनेटिक हो गया, इसमें मतलब क्या है, फैक्टर हमारे पास अननोन होता है। अच्छा फैक्टर, अब ये इंसुलिन वाला फैक्टर अननोन क्यों है, और ह्यूमरल वाला भी पता नहीं चलता है कि क्यों हो गया ऐसा, कोई चीज ये क्यों बढ़ गई पता नहीं चल पाती हमको। इंसुलिन वाला ये, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो फैक्टर है ये भी क्या है, कई बार दोनों चीजें आती हैं, जेनेटिक भी होती है कई बार ये, और कई बार ये एनवायरमेंटल भी होती है, कुछ एनवायरमेंट की वजह से भी हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सारे सारे क्या हो गए, प्राइमरी, ये सब इनकी वजह से बीपी तो बढ़ ही रहा है, कॉज देखा हमने और किस तरह से बढ़ा वो भी देखा हमने, उसकी पैथोजेनेसिस भी देख रहे हैं साथ साथ में, तो बट वहां पर हमको पता नहीं चल पाता है, ठीक है, उनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है। अब बात करते हैं जहां पे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इट इज कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है, ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज, किसी खास डिजीज का परिणाम होता है ये वाला हाइपरटेंशन, और एबनॉर्मेलिटी या कोई बॉडी के अंदर चीजें एबनॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल नहीं रहेंगी, लीडिंग टू जो उसकी वजह से सोडियम रिटेंशन, एंड या तो सोडियम रिटेंशन बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम रिटेन करना स्टार्ट हो जाएगा, जब सोडियम रिटेन करेगा बॉडी के अंदर तो बीपी हाई हो जाएगा, या पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन। पेरिफेरल का मतलब मैं बता चुका था पहले, पहले मतलब कब, अब मैं तुम लोगों को बच्चों एक चीज बता दूं, मैं यहां पे तुम लोगों को सबसे बड़ा खतरा कहां पे आएगा, जब तुम्हारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हो सब लोग अच्छे से, ठीक है, तो वहां से और यहां से और फिर फार्माकोलॉजी से अगर चीजें कंबाइंड होकर आएंगी तो वो क्वेश्चन तुम्हारा खतरनाक होगा, मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तुम लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन यहां से बनेगा, उसका ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से उठेगा, ठीक है, सब डिस्कस करूंगा मैं बारी बारी से, तो कायदे से पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लेना कि हल्के में, हर एक चीज का मतलब समझ से चलना है। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जो हमारे बाहरी है, पेरिफेरल हमारी बॉडी की पेरिफेरी बताओ, ये ठीक है ना, अब पैर के अंगूठे हो गए, ये हो गया, कान हो गया, जो बाहर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल, ठीक है ना, तो पेरिफेरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो बाहर की तरफ हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो क्या आता है, ठीक है, ये सब उसके क्या है, उनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अच्छा ये क्यों होता है, हमें इन सब का कारण पता रहता है कि इस वजह से ये हो गया, इस वजह से एबनॉर्मलिटी होगी, इस वजह से सोडियम रिटेंशन हो रहा है, कारण पता है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी से, ठीक है, प्रेगनेंसी में मेन हमारा रहता है प्री एक्लेम्सिया, डिस्कस करेंगे अभी, या सिंपल हम रखते हैं इसको यहां पे, प्रेगनेंसी इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहां पे तोड़ दिया इसके पार्ट को। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन सीन इन प्रेगनेंट वुमेन, तीन टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, क्रोनिक और प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, क्रोनिक कह लो लंबे समय से आ रहा है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर विच इज प्रेजेंट प्रायर टू प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के पहले है और डज नॉट रिजॉल्व बाय द 12 वीक पोस्टपार्टम चेकअप, या पोस्टपार्टम का मतलब होता है जब डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है ना, उसके बाद 12 हफ्तों तक लगभग 3 महीने तक चेकअप चलता रहा, बीपी डाउन नहीं हुआ, ठीक है, उस लेडी को प्रेगनेंसी से पहले बीपी नहीं था, पोस्टपार्टम होने के बाद उसका बीपी बढ़ा और अगले 3 महीने तक बीपी उसका डाउन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये उसका रीजन हो जाता है। गेस्टेशन हाइपरटेंशन, गेस्टेशन होता है बच्चों, क्या होता है गेस्टेशनल, जेस्टेशनल एक वर्ड है, जेस्टेशन एक्चुअली यहां तक होता है, जेस्टेशन, जेस्टेशन क्या होता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशन से वर्ड बना जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशन होता है कि बच्चे को पेट में रखने की अवधि, बच्चा कितने दिनों के लिए पेट में रहा, हर किसी का अलग अलग होता है, इंसानों का अलग है, कुत्ते बिल्ली का अलग है, हाथी का अलग है, गाय भैंस का अलग है, ठीक है ना, हर किसी जानवर का, एनिमल का जेस्टेशनल पीरियड अलग अलग होता है, अगर हम इंसानों की बात करें तो 9 मंथ का होता है, उस दौरान अगर क्या हुआ, उस दौरान अगर बीपी बढ़ता है, उससे पहले नहीं था, उसके बाद नहीं होगा, उसी दौरान होगा। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन फॉर्मली नोन एज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी की वजह से इंड्यूस हुई हाइपरटेंशन, इज द न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन आफ्टर
20 वीक ऑफ जेस्टेशन, आप 20 हफ्तों से बच्चा पेट में है, उसके बाद अब हाइपरटेंशन आपको आ गया, यानी कि बीपी बढ़ गया आपका, ठीक है। फिर आता है प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया, ये क्या होता है, अ कंडीशन ओनली फाउंड इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी लगभग आधी हो चुकी थी उसके बाद ही हमको दिखाई पड़ता है, रिजल्ट इन हाइपरटेंशन, इसमें बीपी तो बढ़ता है बढ़ता है, प्रोटीन इन यूरिन, टॉयलेट में यूरिन आना, प्रोटीन आना भी स्टार्ट हो जाती है, द जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ द मदर, एक बॉडी में जगह जगह पे बॉडी स्वेल कर जाएगी, फूल जाती है, ठीक है। इट कैन इंपैक्ट अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन को इंपैक्ट कर सकता है एंड इन द बॉडी, ठीक है, एंड ऑल्सो कॉज सीजर्स, कई बार फिट्स, दौरे भी आते हैं, जब दौरे भी साथ में आए तो उसको एक्लैम्सिया कह देते हैं, अदरवाइज उसको कहते हैं प्री एक्लैम्सिया, दौरे आने से पहले जो बीपी भी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन आ रहा है, तो प्री, दौरा भी आ गया तो एक्लैम्सिया, क्लियर है। नाउ रीनल डिजीज, रीनल वेस्कुलर डिजीज, यानी कि रीनल, जो रीनल मतलब किडनी, रीनल मतलब किडनी, किडनी भी एक कारण है इसका, कई बार क्या होता है किडनी के जो वेस्कुलर, जो उसमें खून की सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें डिजीज हो जाती है, ठीक है। पैरेन्काइमल रीनल डिजीज, पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, पता है ना ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, पूरा समझाया था मैंने, याद है, इसके अंदर ये इस टाइप से रहता है ना, याद है, भूल गए बेटा, भूलना नहीं है, अभी तुम लोग जो सेकंड ईयर में हो, याद रखना, अभी एग्जिट एग्जाम की तलवार लटक रही है अभी भी। तो ये है हमारे पास क्या, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को ये लगता है कि बार बार एग्जिट एग्जाम बोलता हूं, मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि अलर्ट रहो बेटा, धीमा नहीं पड़ जाना, बस मेरे कोई वो नहीं है कि मैं तुम लोगों को डराओ, डराना मोटिव नहीं है, मुद्दा ये है कि पढ़ते रहो, ठीक है ना, बिल्कुल ढिलाई नहीं डालनी है। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, याद आया, तो डेट इज अगर इसमें इंफेक्शन हो जाए तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, क्लियर है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है ना, किडनी में सिस्ट बन, गांठी सी बन जाती है, तो अगर बढ़ता है हमारा बीपी तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मतलब यहां कारण पता चल जाता है इसकी वजह से वो बढ़ा हुआ है। ड्रग्स, कुछ कई बार कुछ ड्रग्स लेने से भी हमारे पास क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ लेडीज लोग जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं, उनका कई बार पहले कभी बीपी नहीं था, लेकिन ये लेने की वजह से कई बार बीपी बढ़ जाता है, जिनके अंदर एस्ट्रोजेंस होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड है ना, एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो होते हैं, अगर वो ले लिया जाए, जैसे कि जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह लेते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर ड्रग ले रहे हो, एनएसआईडी ले रहे हो जिसको हम पढ़ चुके हैं, कार्बिनोजोलोन ले रहे हो, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट ले रहे हो, ये सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट याद है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब देखो बेटा, पुरानी चीजें लिंकअप होना स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं यही कहूंगा, जो नोट्स ये तो पता ही है, नोट्स तुम लोगों के पास होंगे, संभाल के रखे होंगे, जैसे ये आता है देखो, पढ़ने का तरीका यही है, अगर तुम्हें लगता है सिम्पैथोमिमेटिक अरे भूल गए, तुरंत उसको खोलो, है ना, सामने नोट्स रखो, तुरंत खोलो, फिर तुरंत रिवाइज कर लो। ये कारण क्या है, ये तुमको बेनिफिट देगा इस एग्जाम में भी, ठीक है, प्लस आगे भी नॉलेज के लिए बढ़िया रहेगा ये। तो कोई चीज पढ़ी हुई आती है और लगता है कि अरे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, भूल रहे हैं, तुरंत उठाओ उसको और देख लो, रिवाइज कर लो एक बारी, ठीक है। अब आते हैं आर्क, ठीक है ना, ये आर्क से है, को आर्कटेशन ऑफ द एरोटा। होता क्या है, कुछ लोगों में जो एरोटा होता है, जो ब्लड की सप्लाई लेके जाती है बाहर बॉडी के लिए, वो होनी चाहिए इतनी मोटी, लेकिन वो क्या होगी, बीच में पिचक गई है, सुकुड़ गई है, तो इसकी वजह से भी कई बार के यहां में रीजन पता है, इसकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, क्लियर है। आगे आते हैं, अब सबसे ज्यादा जो रीजन होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन, यानी कि हार्मोन्स की वजह से, ठीक है ना, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंडोक्राइन डिजीज, एंडोक्राइन का मतलब हार्मोनल गड़बड़ी, ठीक है, हार्मोनल गड़बड़ी। आओ देखें जरा क्या क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा, अब फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ रेयर ट्यूमर, रेयर मतलब बहुत कम लोगों में, ट्यूमर मतलब गांठ होती है, ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, है ना, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है एड्रिनल, इसमें ये एड्रिनल ग्लैंड है, और इसके ऊपर ये देखो यहां पर ये एक गांठ सी है, ठीक है ना, ये गांठ दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से जब बीपी बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा, वास्कुलर ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इस ग्लैंड के अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उस ब्लड वेसल्स में अगर ट्यूमर हो जाए तो बीपी बढ़ जाता है। कशिंग सिंड्रोम, एक्सेसिव कोर्टिसोल,
है ना, कसिंग सिंड्रोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ डिस्कस कर चुके, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल किया है, वो पहले डिस्कस हुआ है हमारा कभी, हमारा कभी मतलब जो हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें डिस्कस हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। एक्सेसिव कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल नाम की जो केमिकल होता है बढ़ जाता है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कौन सा सिंड्रोम जो होता है उसमें भी बढ़ जाएगा अगर किसी को है तो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेसिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, तो भी बढ़ जाएगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जब पैराथायरॉयड जो होती है, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड, उसके बगल में जो ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉयड, अगर उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए। व्हेन योर थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच ऑफ द हार्मोन थायरॉक्सिन, है ना, जो पैराथायरॉयड होते हैं वो क्या रिलीज करती हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती हैं, तो बीपी बढ़ जाएगा। एक्रोमेगली, एक्रोमेगली में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू मच ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है वो बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करेगी, तो एक्रोमेगली होता है, साथ साथ में क्या होता है, बीपी बढ़ जाएगा। प्राइमरी हाइपो थायरॉयडिज्म, जब थायरॉयड हाइपो हो जाए, कम सिक्रेट करेगा, ठीक है। देन आगे आते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, टॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस अ कंडीशन इन विच यू हैव टू मच थायरॉयड हार्मोन इन द योर बॉडी। अब ये थायरॉयड की बात कर रहा है, ध्यान रखना, और यहां पर क्या है, पैराथायरॉयड है, ठीक है, जो ये पैराथायरॉयड थायरोक्सिन होता है, और थायरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं, ट्राई आयडोथायरोनिन जिसको हम T3 कहते हैं, या थायरोक्सिन आल्सो कॉल्ड T4, ठीक है ना, बात समझ में आई। देन कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द एड्रिनल ग्लैंड, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, यानी कि देख रहे हो काफी सारी चीजें एड्रिनल ग्लैंड से लिंकअप हो रखी हैं, जब एड्रिनल ग्लैंड हमारी अफेक्ट हो जाएगी उसमें कोई बीमारी आ जाती है जेनेटिकली। लिडल सिंड्रोम, इट इज एन ऑटोजोमल डोमिनेंट जेनेटिक, ये भी क्या है, ऑटोजोमल जीन्स, क्रोमोजोम कौन से होते हैं, ऑटोजोमल एक होते हैं सेक्स क्रोमोजोम XY, और उसके अलावा जो बाकी क्रोमोजोम होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, पता है ना, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, 46, इसमें हम अगर दो निकाल दें एक्स और वाई, जो मेल होगा उसके अंदर XY होगा, जो फीमेल होगा उनके अंदर XX होंगे, बाकी बचे 44, XY निकाल दो या XX निकाल दो फीमेल के अंदर से, तो बाकी बचे 44 को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोमल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्लियर है। तो डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, डोमिनेंट है ये, पढ़ा होगा ना उसमें मेंडल वाले लॉ में, कुछ रिसेसिव होते हैं कुछ डोमिनेंट होते हैं, तो ये डोमिनेंट है, ठीक है, और ऑटोसोमल है। कॉज बाय म्यूटेशन इन द जीन्स दैट कोड फॉर द एपिथेलियल सोडियम चैनल, जो सोडियम चैनल के लिए कोड करते थे उस जीन्स में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लिडल सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। फिर आते हैं 1-beta हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड डीहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, जब याले एंजाइम की कमी हो जाती है, दिस डेफिशिएंसी अलाउ मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर टू बी ऑक्युपाइड बाय कॉर्टिसोल। अभी मैंने बताया था पीछे कि कॉर्टिसोल के बढ़ने से, है ना, कहां था कॉर्टिसोल हमारा, याद है, ये देखो एक्सेसिव कॉर्टिसोल, ठीक है, कशिंग सिंड्रोम भी हो गया, और इसमें भी क्या होता है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑक्युपाइड कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, कॉर्टिसोल के द्वारा, लीडिंग टू हाइपरटेंशन। तो ये सारे क्या थे हमारे, एंडोक्राइन हार्मोन्स की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, ज्यादातर ग्लैंड्स वाली दिक्कत थी, ठीक है, तो यहां जितने भी ग्लैंड्स थी हमारे जो हार्मोन सिक्रीट करती है उनमें कोई दिक्कतें आती हैं तो बीपी बढ़ जाता है, ये रीजन हमको पता है। अब बेटा कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर बीपी है तो बीपी का मतलब ये नहीं कि बीपी है तो छोड़ दिया। अब देखो कहां कहां दिक्कत है, आपकी नसों में दिक्कत आएगी, आपकी किडनी में दिक्कत आएगी, आपके हार्ट में दिक्कत आएगी, आपके ब्रेन में दिक्कत आएगी, आपकी आंख में दिक्कत आएगी, तो बीपी को हल्के में ना लें कभी भी, समझ रहे बात को, बीपी को हल्के में कभी ना लें। हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती है, तो लोग कहते हैं बीपी मतलब हार्ट, लेकिन यहां सब हर जगह दिक्कत आ सकती है। जब आपके ब्लड वेसल में दिक्कत आती है तो एथरोस्क्लेरोसिस, है ना, मोटी मोटी से टाइट टाइट से हो जाएंगी, या एन्यूरिसिम्स कहते हैं बीमारी को, या एरोटिक डिसेक्शंस कहते हैं। किडनी में आएगी तो हेमेटोयूरिया हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है, या प्रोटीनेमिया हो सकता है। हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, पल्मोनरी एडिमा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, सीजर हो सकते हैं, फिट्स, दौरे पड़ने लगेंगे, वास्कुलर डिमेंशिया, भूलने लगोगे चीजों को। आंख, आंख पे क्या असर पड़ेगा, हैमरेज हो सकता है, कोई नस वगैरह फट सकती है, एक्सुडेट्स, कोई चीज लीक हो सकती है, एवी निपिंग और पेप्लियोडेमा, ठीक है ना, जो आंख सूज जाती है, फूल जाती है, और ये सब चीजें मिल करके अंधा बना सकती हैं। ये सब चीजें, स्ट्रोक, दिमाग में स्ट्रोक आ सकता है, ये होगा तो कार्डियक फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। तो बीपी अल्टीमेटली इन ऑर्गन्स को टारगेट करता है, इसीलिए इसको ट्रीट कराना जरूरी है। तो आओ ट्रीट करें इसे, करें ठीक।
ठीक कर दें। चलो तो ठीक करने से पहले देख तो लें कि आखिरकार जब पहले तो जो मैंने बताया एसेंशियल वाले जिसमें हमें सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, और अगर सिम्टम दिख रहे हैं कुछ इस टाइप से कौन कौन से हैं, तो कह रहा है पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी हाइपरटेंशन आर यूजली ए सिम्टोमेटिक इनिशियली। शुरुआत में तो कोई सिम्टम दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर समय के साथ क्या क्या आएगा, सर दर्द हो सकता है, पसीना ज्यादा आ सकता है, टैकाइकार्डिया हो सकता है, पल्पिटेशन हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा, इन प्राइमरी एल्डोस्टेरोनाइज़न हाइपोकैलेमिया सिम्टम्स ऑफ मसल्स क्रैम्प एंड वीकनेस में भी प्रेजेंट। ठीक है ना, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनाइज़न जो कंडीशन होती है जो हमने डिस्कस की थी अभी, उसमें हाइपोकैलेमिया सिम्टम्स ऑफ मसल्स क्रैम्प, मेनली क्या रखोगे मसल्स में क्रैम्प स्टार्ट हो सकता है। पेशेंट विद कसिंग सिंड्रोम में है वेट गेन, उसमें वजन बढ़ जाएगा जो कसिंग सिंड्रोम वाला होगा, पॉलीयूरिया है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, एडीमा सूजन आएगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है गड़बड़ हो जाएगी, रिकरेंट एक्ने मुहासे बहुत ज्यादा आएंगे, मस्कुलर वीकनेस मसल्स वीक हो जाएंगे, इन एडिशन टू क्लासिकल फीचर्स मून फेस या बफेलो हैम्प एंड हिस्टियोरिस्टिस। ठीक है ना, तो ये सारी जो बफेलो हम्प होगा थोड़ा सा ये उठ सकता है, मून फेस होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस अगर कहीं दिखना स्टार्ट हो तो समझ जाएं ये सब क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, किसके लिए, हाई बीपी के लिए। अगर ये सब याद ना रहे एटलीस्ट ये 1 2 3 4 5 ऑर्थोस्टेटिक हड्डियों का है जो हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 4-5-6 है तुम्हारा मसल्स क्रैम्प, कुछ ना पूरी लाइन हटा देना, मसल्स क्रैम्प केवल इतना लिख देना। ठीक है ना, सब कुछ हटा देना, पॉलीयूरिया एडिमा लिख देना, ऐसे लिख देना इन कशिंग सिंड्रोम वेट गेन पॉलीयूरिया एडिमा, ऐसे लिख देना। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने कहा यहां पर चीजों को बिल्कुल एज इट इज समझ में आती है, लिख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, आगे आते हैं, सिम्टम पता चले कि अच्छा हाई बीपी है, चलो अब इसका हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ठीक ठाक करने की कोशिश करें तो पता कैसे चलें कि हाई बीपी है या कि नहीं, हम डॉक्टर के पास गए, किसके पास गए, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने नापा, उसने बताया कि अगर 120 और 80 से नीचे है, ये है सिस्टोलिक और ये है डायस्टोलिक, तो क्या है तुम्हारा, नॉर्मल है। 120 से 129 और लेस देन 80 है तो हल्का सा बढ़ा हुआ माना जाता है। जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 129 तक पहुंच जाए और नीचे वाला कोई फर्क ना पड़े तो ये हल्का बढ़ा हुआ मानते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ रेडी हो जाओ। अब स्टेज बनाएगी अगली, जब 130 से 139 जाओगे, या अच्छा ऊपर वाले में क्या है, दोनों होनी चाहिए एंड और एंड, यहां और लिखा है, या तो ये होगा या ये हो जाए, दोनों में से कोई एक, दोनों से कोई एक कंडीशन हो जाए, ऐसा भी होता है, एक तरफ का बढ़ता है एक तरफ का नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ये स्टेज वन आ गई, यहां पर 139 यहां 89, फिर आती है स्टेज टू, 140 और हायर, 90 और हायर, 90 से ऊपर चला जाएगा, फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अब डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, अदरवाइज डेथ होने के चांसेस हैं, कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, मोर देन 180 और मोर देन 120। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर का एक चार्ट है, जहां से हम आइडिया लगाते हैं कि क्या क्या कंडीशन, मतलब इतना है तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्टेज हम लेके चलें। क्लियर नाउ, तो अगर मान लो शुरुआत के दौर है, ये वाला दौर है, ये वाला दौर है, एलिवेटेड वाला बड़ा हुआ है, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है अभी दवाइयां ना खाओ, बल्कि एज ए फार्मासिस्ट तुम भी सुझाव दोगे कि भाई ऐसा है अभी दवाइयां ना खाओ। ठीक है, या जस्ट अभी दिक्कत आई अचानक से, तुमने देखा 130 से 139 है, तो तुम तब भी सजेस्ट करोगे कि अभी दवाई ना खाओ, शुरुआत में पहले कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लो, हफ्ता भर 15 दिन करके देखो, वैसे तो कहा जाता है कि 6 महीने तक करके देखो। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, पेशेंट विद माइल्ड हाइपरटेंशन नॉन फार्माकोलॉजिकल है, यहां पे हम दवाइयां इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे, दवाइयां इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या कह रहा है, पेशेंट विद माइल्ड हाइपरटेंशन हल्का है, ऊपर वाले दो केस, इन द रेंज ऑफ 140 से 159 देखो और 90 से 100, इसे माइल्डली कहा जाता है, यानी कि हम लोग आ सकते हैं थर्ड तक। ठीक है, यहां तक अगर कंडीशन है तो ऑफर लाइफस्टाइल एडवाइस, हम उसे लाइफस्टाइल की एडवाइस देंगे, लाइफस्टाइल मतलब क्या, उसका उठना बैठना खाना पीना क्या है, तो सबसे पहले हम कहेंगे अगर वो ओवरवेट है तो वेट लॉस रिड्यूस करवाने के लिए कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पर केजी अगर आप 1 केजी वजन गिरा लेते हो तो आपका डायस्टोलिक 2.5 और सॉरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 1.5 mmHg गिर जाता है। डैश क्या है, डायटरी अप्रोचेस टू स्टेप स्टॉप हाइपरटेंशन, खाना कुछ ऐसा खाएंगे कि आपका हाइपरटेंशन होगा ही नहीं। फाउंड टू लोअर बीपी सिग्निफिकेंटली 4.5 से 2.7 mmHg, अगर आप अपना खान पान सही कर लें तो देख रहे हो सिस्टोलिक में 4.5 से लेकर के डायस्टोलिक में 2.7 तक आप रिड्यूस कर सकते हो अपना बीपी को।
डैश डैश में क्या क्या रहेगा आपके पास, ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। ऐसे अगर डेयरी प्रोडक्ट ना खाओ तो सबसे अच्छा होता है, वैसे खा रहे हो तो ऐसा खाओ डेयरी, डेयरी मतलब दूध से बने हुए जिन्हें फैट कम हो। फिश लो फैट पोल्ट्री, ठीक है पोल्ट्री मतलब चिकन वगैरह जो है, और होल ग्रेन खाओ, ठीक है ना। क्या नहीं खाना है, रेड मीट यानी कि जो मटन वगैरह होता है, कॉन्फेक्शनरी एंड स्वीटेंड ड्रिंक जो मीठा दूध वगैरह टाइप रहता है, कॉन्फेक्शनरी मतलब हमारा जो ये पेस्टी पेटी जैसा जो कॉन्फेक्शनरी मिलने वाली आइटम होते हैं मैदा वाली, वो सब चीजें नहीं खानी होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट शुड रिड्यूस देयर सॉल्ट इनटेक, सब्जेक्ट मतलब जो पेशेंट है, सब्जेक्ट की जगह यहां पर क्या लिख सकते हो पेशेंट, ठीक है। उसको अपना सॉल्ट इनटेक यानी कि नमक को बेस्वादी सही, थोड़ा नमक कम करके खाए तो असर होगा। सिग्निफिकेंट हिडन सॉल्ट, अब आदमी क्या होता है क्या खाएगा, मीट खाता है, रेडीमेड मील्स खाएगा जो बना बनाया पैकेट वाला आता है, चीज खाता है, पनीर खाता है, ठीक है, इवन ब्रेड खा लेता है, जब हम लोग सुबह नाश्ते में ब्रेड लेते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं हिडन सॉल्ट है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हमें बेस्वाद लगता है बट नमक होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो सब चीजें नहीं खानी चाहिए। कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड सैचुरेटेड फैट, जो कैलोरीज है आप जो कैलोरीज खा रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं और जो फैट खा रहे हैं खासकर सैचुरेटेड, उस पर कंट्रोल करना है हमको। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज लगभग 30 मिनट, एरोबिक होती है जिनसे आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो जाए, ठीक है, टहलना नॉर्मल हो गया, फटाफट कोई जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करो जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक। अल्कोहल इंटेक 2 यूनिट फॉर फीमेल्स एंड 3 यूनिट फॉर फीमेल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर लेते हो तो, नहीं लेते तो लेना ही नहीं है। स्मोकिंग शुड बी क्विट और एल्स रिड्यूस द यूनिट, स्मोकिंग बंद कर दो और नहीं तो जितनी पी रहे हो उससे कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया भैया कि अगर आप दवाई नहीं खाना चाहते हो और बिना दवाई खाए समय से पहले ठीक हो जाना चाहते हो, नहीं माने नहीं छोड़ी आते हैं, बढ़ गया बीपी, अब क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल अप्रोच चलेगी, यानी कि क्या होने वाला है, दवाइयों का दौर आने वाला है। और बीपी की दवाई बच्चों में बता दूं, अभी आप लोग यंग होंगे काफी सारे लोग, ठीक है ना, बहुतों को बीपी की समस्या नहीं होगी, कुछ लोगों शायद आ भी गई होंगी, ठीक है ना। तो करना क्या आप लोगों को, बीपी एक ऐसी समस्या है, देख तो चुके ही हो, तो कोशिश ये करनी है अपनी लाइफ में कभी बीपी को आने नहीं देना है, ठीक है ना। बीपी नहीं आएगा, ठीक है, 2-3 चीजें हैं, बीपी है, डायबिटीज है, ये 2-3 चीजें अगर नहीं आती लाइफ में तो फिट रहोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आगे आते हैं, फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या है हमारे पास, डिसीजन टू कमेंस, कमेंस मतलब स्टार्ट करना, डिसीजन टू स्टार्ट स्पेसिफिक, लिख लो यहां पर स्टार्ट करना, डिसीजन टू स्टार्ट स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी, आप कौन सी ड्रग थेरेपी किसी के लिए चलाओगे, हर किसी के लिए अलग हो जाएगी, ठीक है ना, कोई इंसान कैसा है। ओनली आफ्टर अ केयरफुल पीरियड ऑफ असेसमेंट विद लाइफस्टाइल चेंजेस ऑफ अप टू 6 मंथ, जब 6 महीने तक आपने उसको चेंज करके देख लिया, लाइफस्टाइल बदलने का बंदे ने कोशिश की, सब कुछ कर लिया, 6 महीने उसके बाद ही बीपी कम नहीं हो रहा है, अब आप दवाइयों पर आओगे, अनलेस इट्स नॉट हैविंग एंड ऑर्गन डैमेज और अदर हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, जब तक कि कोई अगर, हाँ उससे पहले भी आ सकते हो, अगर कोई मान लो पता चला कि ऑर्गन डैमेज वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है ना, या कोई और कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही है, तो आप जल्दी आ सकते हो दवाइयों पर। क्या करोगे, पढ़ाई था हमने फार्माथेरेपेटिक में क्या होता है, आप एम करोगे, प्लेन करोगे, साइड इफेक्ट देखोगे ड्रग का ट्रीटमेंट के दौरान, उस इंसान को तो नहीं होगा, केयरफुली एक्सप्लेन टू द पेशेंट, ये सारी बातें पेशेंट को बताओगे कि ये हमारा एम है, इतने महीने तक तो दवाई चलेगी, हो सकता है एक मेडिसिन आपको जिंदगी भर खानी पड़े, तमाम बातें आप उसे डिस्कस करेंगे। पेशेंट कॉम्प्लेंस इज वेरी एसेंशियल फॉर एफिकेसी, और पेशेंट कॉम्प्लेंस क्या, पेशेंट जो आप थेरेपी आप उसको ट्रीट करने जा रहे हैं जिस थेरेपी से, क्या पेशेंट उसमें उसके लिए सही है, मतलब सही है का मतलब है कि क्या पेशेंट उसको कर पाएगा, आपने मान लो दिन में 4 बार दवाई खाने को दी, या आपने कोई खास तरीका कह करने को कह दिया कि नहीं ये दवाई ऐसे ऐसे खानी है, और पेशेंट की लाइफ स्टाइल कुछ अलग ही है, उठने का टाइम अलग है, सोने का टाइम अलग है, तो हमें स्ट्रेटजी कुछ ऐसे लेनी है कि पेशेंट उसको कॉम्प्लेंस आसानी से अपना सके, ऐसा ना हो कि पेशेंट का रूटीन ऐसा है या वर्क ऐसा कि भूल जाता है ज्यादातर, ऐसा नहीं होना चाहिए। द ड्रग कॉमनली यूज टू ट्रीट एसिडिटी मतलब हाइपरटेंशन आर, ये सब देखो सब पढ़ चुके हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, अल्फा बीटा ब्लॉकर, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेंट्रली एक्टिंग डायुरेटिक्स, रेनिन इनहिबिटर, वैसोडायलेटर, है ना, शायद एक दो चीज ना पढ़ी हो, सब पढ़ चुके हो, था ना, कि किस तरीके से हाइपरटेंशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं, हम यहां सबके एग्जांपल दे रखे हैं, डॉक्साजोसिन, फिनॉक्सी बेंजामाइन और फेंटोलामाइन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में कौन है, स्पिरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में कौन है, इनालाप्रिल, रैमिप्रिल और लिसिनोप्रिल। देखो बच्चों मैं यहीं पे ये बात कहना चाह रहा था, अब यहां पर तुम्हारे पास ये जो पार्ट है, अगर इसमें कभी क्वेश्चन आता है कि हाँ बताओ हाइपरटेंशन में अल्फा बीटा ब्लॉकर कौन है, और 4 ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो यहां पर 100% वो जो 4 ऑप्शन होंगे यहां तो दिए नहीं है,
ठीक है, वो चार ऑप्शन जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑप्शंस थे ड्रग के, उनमें से रखे होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जैसे कि बता दूं मैं, जैसे कि अगर इसका आया तो स्पायरोनोलैक्टोन था, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है ना। रैमिप्रिल, इनालाप्रिल, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो इसीलिए सिलेबस सामने रखना, और वो ड्रग, कोई ड्रग मैंने यहां मिस कर दी है तो उस पर लिख लेना कि हाँ ये ड्रग हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में थी, तो उसको पक्का याद रखनी है साथ में। क्लियर है? ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, ये एटेनोलॉल, लेबिटोलॉल, कार्बिडिलॉल, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, वीरापामिल, सेंट्रली एक्टिंग में मिथाइल डोपा, मॉक्सोनिडीन, डायुरेटिक में फिरोसमाइड, रेनिन इनहिबिटर में एलिस्काइरेन, और वैसोडायलेटर कौन है, हाइड्रोलाजीन और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। क्लियर है? तो ये था हमारे पास हाइपरटेंशन का फार्माकोथेरेपी, किस तरीके से हम उसको डील करेंगे। और उसमें भी हमने अभी यहां पर पूरा नहीं पढ़ा है, अपने कोर्स के हिसाब से सिर्फ चार पांच चीजें देखिए ना, डेफिनेशन, एटियोपैथोजेनेसिस, और देन आते हैं उसमें किसका, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। केवल पांच चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, पढ़ने को उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, और कोशिश करना है जो मैं तरीके बता रहा हूं उन तरीकों को फॉलो करते चलो बच्चों। जो मेरे तरीके को फॉलो करेगा वो आगे जाके फायदे में रहने वाला है, ठीक है, आगे जाके दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर? तो पढ़ोगे ना? गुड, ऑल द बेस्ट।